मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन का आई एम गोइंग टू टीच यू कल्टीवेशन ऑफ पपाया, पपीते की खेती। इसे अमृत घट भी कहते हैं, कॉमन बोटैनिकल नेम इज कैटका पपाया एंड फैमिली कैरिकैसी। पपाया बिलोंग टू फैमिली कैरिकैसी। क्रोमोजोम नंबर, सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर इसका 18 है। पपीता सबसे कम समय में फल देने वाला वृक्ष है और इसलिए कोई भी इसे आसानी से लगाना पसंद करता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिबल एंजाइम पाए जाते हैं जिसके कारण ये लोगों का रुचिकर फल है, तथा इसके ताजे फलों का सेवन करने से लंबी कब्जियत की बीमारी भी दूर की जाती है। जिनको इनडाइजेशन हो, अच्छा मेटाबॉलिज्म ना हो, उनका पाचन जो है वो दुरुस्त ना रहना हो, तो आप पपीता खाइए, पाचन आपका दुरुस्त रहेगा। अगर हम इसकी जलवायु को देखें, क्लाइमेट, तो ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, उष्ण जलवायु का फल है। इसके लिए जो तापमान चाहिए वो 38 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बेस्ट होता है, तथा न्यूनतम जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान का ये उगाया जा सकता है। पालक रहित स्थान, द प्लेस विच आर फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट आर सुटेबल फॉर इट्स कल्टीवेशन। अगर हम भूमि की बात करें तो अच्छी उपजाऊ जल तथा अच्छे जल निकास वाली भूमि इसके लिए बढ़िया होती है। वाटर लैगेशन जो है नहीं होना चाहिए, वाटर लागिंग या वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। गोमन मिट्टी जो है इसके लिए बेस्ट होती है। भूमि की तैयारी कैसे करें, सॉइल प्रिपरेशन, खेत को अच्छी तरह समतल करके जोत करके समतल बना लेना चाहिए, तथा भूमि में हल्का ढाल उत्तम होता है, क्योंकि ड्रेनेज अच्छा होगा तो निश्चित रूप से उसमें वाटर स्टैग्नेशन नहीं होगा। जो गड्ढों का आकार 2x2x2 मीटर के आकार में बना लेना चाहिए, तथा उसमें 20 किलोग्राम एफएम गोबर खाद पर 500 ग्राम सुपर फास्फेट तथा 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिलाकर पौधा लगाने से कम से कम 10 दिन पूर्व गड्ढे को भर देना चाहिए। पहले मतलब ये कि पौधा लगाने से पूर्व गड्ढे को 10 दिन पहले इन सब मटेरियल मिलाकर के भर देने चाहिए। 20 ग्राम एफएम, 500 ग्राम सुपर फास्फेट तथा 250 ग्राम एमओपी। पपीते किस्म अगर हम देखें, पूसा मैजेस्टिक, पूसा जॉइंट, वाशिंगटन सोलो, कोयम्बटूर हनीड्यू, पूसा ड्वार, पूसा डिलीशियस, पूसा नन्हा, ये सब इसकी अच्छी वैरायटीज हैं। बीज दर अगर हम देखें पपीता की, तो 500 से 1000 ग्राम पर हेक्टेयर बीज दर होती है, सीधे पर हेक्टेयर। लगाने का समय एवं तरीका, प्लांटिंग यानी मेथड, रोपनी तैयार करके पहले से तैयार गड्ढे में जून जुलाई में लगाना चाहिए। पौधों को जो है फरवरी मार्च में इसकी नर्सरी लगाई जा सकती है, जून जुलाई में वर्षा ऋतु में इसके पौधे प्लांटेशन ये करने योग होते हैं। जहाँ सिंचाई का साधन उपलब्ध हो वहाँ सितंबर से अक्टूबर तथा फरवरी से मार्च तक भी पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधा तैयार करना, नर्सरी रेजिंग, भूमि की सतह से करीब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर क्यारियाँ बना करके पंथ से पंथ की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा 20 से 20 की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस प्रकार नर्सरी तैयार करने से किसी भी हालत में पपीते के बीज जो है 1 से 3 सेंटीमीटर से गहरा नहीं होना चाहिए, जिससे आसानी से जनरेशन हो जाए। 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होने पर 2 पौधे प्रति गड्ढा लगा देने चाहिए। जब पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई को हो जाए, 2 पौधे प्रति गड्ढा लगाना चाहिए। और अगर हम देखें खाद एवं उर्वरक, 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट तथा 500 ग्राम पोटास प्रति प्लांट देना चाहिए, और इसे 6 बराबर भागों में बांट करके 2 मंथ के अंतराल पे देना चाहिए। इस मिश्रण को नर पौधों को और ऐसे पौधों को नहीं देना चाहिए जिसको बाद में 4-6 माह बाद निकाल कर फेंकना है, क्योंकि वो अननेसेसरी है। नर पौधों का कोई जो पोलन सप्लाई करने के अलावा कोई अस्तित्व नहीं होता। नर पौधों को अलग करना, रिमूवल ऑफ मेल प्लांट, पपीते के पौधे 90 से 100 दिन के अंदर फूलने लगते हैं। लगाने के बाद 90 से 100 दिन के अंदर में पपीते के पौधे जो है फूल देना प्रारंभ कर देते हैं, तथा नर फूल छोटे छोटे गुच्छों में
लंबे डंठल युक्त होते हैं, जो नर फूल होते हैं, मेन फ्लावर छोटे छोटे गंधों में लंबे होते हैं, नर पौधों पर पुष्प 1 से 1.3 मीटर के लंबे तने पर झूठते हुए लगते रहते हैं, मूविंग रहते हैं, लटकते रहते हैं। प्रति 100 पौधा जो है 5 से 10 नर पौधे छोड़कर शेष नर पौधों को उखाड़ देने चाहिए। कहने मतलब ये कि 100 मादा पौधों में 5 से 10 पौधे नर रखने के लिए पोलिनाइजर प्रोड्यूस करने या सप्लाई करने के लिए। मादा पुष्प पीले रंग के 250 सेंटीमीटर लंबे तथा तने के नजदीक होते हैं। निराई गुड़ाई तथा सिंचाई वीडिंग होइंग एंड इरीगेशन, समर इरीगेशन जो है पपीते में 4 से 7 दिन के अंतर पर तथा जो विंटर सीजन में इरीगेशन है 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए तथा 30वीं सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जड़ों तथा तनों को नुकसान न हो ऐसी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। फलों को तोड़ना हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट 9 से 10 मंथ आफ्टर प्लांटिंग, पौध लगाने के 9 से 10 माह बाद फलों को तोड़ना चाहिए। फलों का रंग जब हरे रंग से बदल कर हल्का पीला हो जाए तो दिस इज द मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ पपाया। गहरा रंग जो है हरा होता है वो येलो कलर में चेंज हो जाता है, ये इंडिकेशन है कि हमारा पपाया जो है वो पक चुका है। तथा फलों पर नाखून अगर हम लगाते हैं तो दूध की जगह पानी तथा लिक्विड निकलने लगे तो समझ लेने चाहिए ये भी इंडिकेशन है कि पपीता आपका फल गया है, पक गया है। थिनिंग ऑफ फ्रूट्स डीप फ्रूटिंग शुड बी डन इन स्मॉल स्टेज ऑफ फ्रूट, जब बहुत से फल छोटे छोटे लगे हों तो इसमें थिनिंग ऑफ फ्रूट करना चाहिए जिसे हम डीप फ्रूटिंग कहते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्रूट फ्रॉम द बंच, गुच्छे से अगर हम कुछ फलों को हटा देंगे छोटी अवस्था में फलों को, निश्चित रूप से जो बचे हुए फल होंगे वो लार्ज साइज को हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, तो थोड़ा सा फलों को हटा देना चाहिए जिससे जो बचे हुए फल हैं वो हमें लार्ज साइज के प्राप्त होंगे, क्योंकि अगर सभी फल रखेंगे तो उसमें हमारा पौधा ही गिर जाए, लोन न संभाल सके और इस प्रकार से आपको हानि हो जाएगी। तो कुछ फलों की छटाई करना चाहिए जिसे हम डीप फ्रूटिंग कहते हैं। अब अगर फलों को बहुत संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें जो इंसेक्ट या पेस्ट है माइट एफिड तथा फल मक्खी लगती है जिसका नियंत्रण मीटा 6 से 1 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। तथा बीमारी फ्रूट तथा स्टेम रॉट लगती है जिससे जो वाटर स्टैग्नेशन पानी के भर जाने के कारण लगती है तो तने के पास पानी में को ठहरना नहीं देना चाहिए। उपज, इसकी उपज जो है 35 से 40 टन पर हेक्टेयर अमूमन प्राप्त होती है। अगर आप अच्छे से पपीते खेती करते हैं तो 35 से 40 क्विंटल 350 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। देर आर सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट पपाया, कुछ पपीते के बारे में सामान्य जानकारी जो कि आपको रखनी चाहिए। पपीता इज ए पॉलीगैमस प्लांट, इसमें सभी तरह के पौधा, नर पौधा होता है, मादा पौधा होता है तथा हर्मोडाइट प्लांट होता है। ऐसे पौधे होते हैं जो केवल नर फूल को धारण करता है, ऐसे पौधे होते हैं जो केवल मादा फूल को धारण करता है तथा ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं जिसमें नर तथा मादा फूल दोनों विद्यमान होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीगैमस प्लांट। 1 ग्राम में 20 सीड होते हैं पपाया में। येलो पिगमेंट पपाया एक कैरका जेंसिन, जो येलो पिगमेंट पाया जाता है पपाया में वो कैरका जेंसिन पाया जाता है। एंजाइम प्रेजेंट इन ड्राइड लेटेक्स ऑफ पपाया, जो पपीता के सूखे दूध में एंजाइम प्रेजेंट होता है उसे हम पैपेन कहते हैं, और पैपेन होता है उसे हम पेप्सिन कहते हैं। रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर पूसा नन्हा, पूसा नन्हा जो है वो ड्वार्फ वैरायटी है पपाया की, अक्सर पूछा जाता है ड्वार्फ वैरायटी आप पपाया, तो पूसा नन्हा है, इसे हम 1.25 तथा 1.25 स्क्वायर मीटर के डिस्टेंस पे लगा सकते हैं और 6000 पौधे पर हेक्टेयर इसके आते हैं। फ्रास्ट इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन पपाया कल्टीवेशन इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में अगर देखें तो पाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है पपाया की खेती करने में। पाला जहाँ नहीं पैदा होता है वहाँ पड़ता, वहाँ पपीतों को आसानी से उगा सकते हैं। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आफ्टर बनाना, केले के बाद पर यूनिट एरिया जो है इसका मैक्सिमम उत्पादन होता है पपाया का। पहला उत्पादन केले का है पर यूनिट एरिया मैक्सिमम, दूसरा है पपाया का। 3 टाइप्स वेराइटी, पपाया में 3 तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गाइनोडाइस्पियस, ऐसी प्रजाति जिसमें मादा तथा हर्मोडाइट फ्लावर पाए जाते हैं। स्टेट एंड हार्मोडाइट, ऐसे फ्लावर पाए जाते हैं जिसमें मादा फूल तथा ऐसे फ्लावर पाए जाते हैं जिसमें नर और मादा दोनों
अंग उपस्थित होते हैं, डिस्ट्रीडियस ग्रेविटी पाई जाती है, जिसमें पूषा नन्ना पूषा द्वार तथा CO1 CO2 CH6 है। इसमें केवल नर या मादा फूल वाले पौधे पाए जाते हैं। हाइब्रिड वैरायटीज है, संकर प्रजाति जैसे CO3 CO2 CO3 एंड CO4। सनराइज सोलो जो बनाना है उसमें केवल मादा फूल धारण करवाने पौधे करने वाले पौधा पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको मैंने ये पपीते की खेती पढ़ाया, आपको कैसा लगा है इसको आप देखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।